Hey everyone, welcome to Rewind Stars. आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड टैलेंटेड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा अजय देवगन की जर्नी के बारे में। कैसे अपने अर्ली इयर्स में एक के बाद एक एक्शन फिल्मों में काम करके उन्होंने एज एन एक्शन हीरो बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली और आज वो अपने सीरियस लुक्स और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस से ही मूवीज का लेवल एकदम हाई कर देते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अजय देवगन। गाइस, अजय देवगन का रियल नेम है विशाल वीरू देवगन और उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 में दिल्ली में हुआ था और अजय के फादर वीरू देवगन खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं जिन्होंने एज एन एक्शन डायरेक्टर 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। गाइस, अजय देवगन ने अपने करियर की शुरुआत ईयर 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। और फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करते ही उन्होंने अपना स्टेज नेम विशाल से बदलकर अजय रख दिया क्योंकि उस दौरान विशाल नाम से और भी न्यू कमर्स लॉन्च हुए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे कुकू कोहली जो 2002 में आई फिल्म ये दिल आशिकाना के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। मोर ओवर, इस फिल्म में रोहित शेट्टी भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। अजय देवगन की ये पहली ही फिल्म सुपरहिट रही जिससे उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में एज ए लीड एक्टर एस्टेब्लिश किया। मैंने प्यार तुम्ही से किया है। और ये एक्ट्रेस मधु शाह की भी डेब्यू फिल्म थी। मैं दुनिया से अब ना डरूं। इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की काफी तारीफ हुई जिसे खुद अजय के फादर वीरू देवगन ने कोरियोग्राफ किया था। खासकर अजय देवगन का ये आइकॉनिक स्टंट काफी पॉपुलर रहा जिसमें वो दो बाइक्स पे बैलेंस करके एंट्री लेते हैं। ये सीन इतना पॉपुलर हुआ था कि कई फिल्मों में इसे यूज किया गया और कुछ में तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने खुद इस सीन को रिक्रिएट किया है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और तो और अजय देवगन को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और जब ये फिल्म आई थी तब अजय सिर्फ 22 साल के थे। इस फिल्म में अजय का नाम अजय सलगांवकर था और 2015 में आई फिल्म दृश्यम में अजय का नाम था विजय सलगांवकर। 3 करोड़ में बनी ये फिल्म 12 करोड़ की कलेक्शन करके 1991 की 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। इसके बाद ये 1992 में आई अजय और करिश्मा कपूर की साथ में एक मार्शल आर्ट्स फिल्म जिगर। इस मूवी का प्लॉट 1989 में आई एक अमेरिकन फिल्म किकबॉक्सर से इंस्पायर्ड है। जब ये फिल्म करिश्मा कपूर को ऑफर की गई थी तब उन्होंने ये फिल्म साइन करने से मना कर दिया था क्योंकि वो खुद एक न्यू कमर थी और अजय देवगन जैसे न्यू कमर एक्टर के साथ काम करना उन्हें काफी रिस्की लगा। बट अजय देवगन की फूल और कांटे के सुपर हिट होने के बाद करिश्मा ने इस फिल्म को साइन कर लिया और इन दोनों एक्टर्स की साथ में ये पहली फिल्म हिट हो गई जिसके बाद इन दोनों ने कई और फिल्मों में साथ में काम किया। आए हम बाराती बारात ले के, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। इनफैक्ट इस फिल्म के बाद से अजय और करिश्मा के डेटिंग रूमर्स भी आने शुरू हो गए थे। दो करोड़ में बनी फिल्म जिगर ने 7.5 करोड़ की कलेक्शन की। एज ए न्यू कमर लगातार 2 सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद अजय देवगन की डिमांड इतनी बढ़ गई कि ईयर 1993 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी रवीना टंडन के साथ आई एक एक्शन फिल्म दिव्य शक्ति। बट अजय की ये फिल्म फ्लॉप हो गई जिसने 1.85 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1.20 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय देवगन की टिस्का चोपड़ा के साथ एक और एक्शन फिल्म प्लेटफॉर्म इस फिल्म से एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और इस सॉन्ग में मुझे टिस्का मैम काफी हॉट लगी। अनफॉर्चुनेटली अजय देवगन की ये फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई जिसने 1.85 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 80 लाख की कलेक्शन की। इसके बाद अजय देवगन, करिश्मा कपूर और आयशा झुलका ने साथ में काम किया एक रोमांटिक एक्शन फिल्म संग्राम में। और मेरी गर्लफ्रेंड भी कोई बकचोदी करने के बाद ऐसे ही सॉरी बोलती है।
बट अजय देवगन की ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर अजय और करिश्मा की साथ में एक और फिल्म आई शक्तिमान। इस फिल्म में एक्टर मुकेश खन्ना ने भी काम किया और इस मूवी के टाइटल को यूज करके उन्होंने खुद का एक सुपर हीरो टीवी शो शक्तिमान भी शुरू किया, जिसके बारे में मैं डिटेल में मुकेश खन्ना के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। 2.70 सीआर में बनी इस फिल्म ने 3.20 सीआर की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय की प्रतिभा सिन्हा और विवेक मिश्राण के साथ एक रोमांटिक एक्शन फिल्म दिल है बेताब एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म ने 2 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 1.5 करोड़ की कलेक्शन की। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। इसके बाद ही अजय देवगन की रवीना टंडन के साथ फिल्म एक ही रास्ता, जो 1977 में आई एक्टर जितेंद्र की सेम टाइटल फिल्म का रीमेक है। मिलने जाना है, दिल का हाल सुनाना है। 2.36 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 3 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय देवगन और उर्मिला की फिल्म बेदर्दी भी फ्लॉप हो गई। फिर 1993 में अजय की लास्ट फिल्म थी धनवान, जिसमें उन्होंने मनीषा कोइराला और करिश्मा कपूर के साथ काम किया। 1.60 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 2.61 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 1994 में अजय की 4 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के साथ है एक सुपर हिट फिल्म दिलवाले। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे हैरी बवेजा, जो दिल जले और कयामत जैसी फिल्मों में भी अजय देवगन के साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म को पहले दिव्या भारती ने साइन किया था, बट ड्यू टू हर सडन डिमाइस उनका रोल रवीना टंडन से रिप्लेस किया गया। इस फिल्म के बाद अजय और सुनील शेट्टी ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। बाय द वे, इस फिल्म में अपना श्याम बाबू भैया की कुछ खास इज्जत नहीं करता था। क्या कहा रामदादा, बोल साले चोर के बड़वे। इस फिल्म का म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल रहा, जिसे नदीम श्रवण ने कंपोज किया था। और जब भी मैं बचपन में नाई की दुकान पे बाल कटवाने जाता था तो ऑलमोस्ट इसी फिल्म के गाने लगे होते थे। और तो और, इस फिल्म के डायलॉग्स भी काफी पॉपुलर रहे, खासकर ये वाला, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। 2.10 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 12 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर आई अजय की उर्मिला के साथ एक और एक्शन ड्रामा फिल्म कानून, बट ये फिल्म 1.55 सीआर के बजट के अगेंस्ट 1.39 सीआर की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद ही अजय की तब्बू और डैनी के साथ एक हिट फिल्म विजयपथ, ये एक्ट्रेस तब्बू की डेब्यू फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। राह में उनसे मुलाकात हो गई। और इन दोनों एक्टर्स को आपने साथ में दृश्यम में तो देखा ही होगा। तब्बू से पहले इस फिल्म में दिव्या भारती काम कर रही थी और उन्होंने तो इस फिल्म की 20% शूटिंग भी कंप्लीट कर ली थी। मोर ओवर, अजय देवगन का ये मीम टेम्पलेट इस सॉन्ग के सीन से ही आया है। इस फिल्म का म्यूजिक अनु मल्लिक ने कंपोज किया था। 2.75 सीआर में बनी इस फिल्म ने 11.53 सीआर की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर आई अजय देवगन की अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा के साथ एक हिट फिल्म सुहाग। ये अजय और करिश्मा की साथ में लास्ट फिल्म थी, जिसने 3 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 12.14 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इसके अलावा उसी साल ही एक्ट्रेस रेखा की फिल्म मैडम एक्स में अजय ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। बरसात के मौसम में। इसके बाद ईयर 1995 में आई अजय की जूही चावला के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म नाजायज, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो, हाँ कसम से, कसम से, जन्म जन्म से तुम पे मरते। 25 सीआर के बजट के अगेंस्ट 9.58 सीआर की कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय देवगन और काजोल की साथ में पहली फिल्म हलचल, जिसे अनीस बाजमी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले और ये कमर्शियली एवरेज रही। फिर उसी साल अजय और काजोल की एक और एक्शन फिल्म आई गुंडा राज, जो कुछ खास नहीं चली। 4.25 सीआर में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5.08 सीआर की नेट कलेक्शन की। बाय द वे, उसी साल काजोल ने करण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जिसमें उनके को स्टार थे शाहरुख खान। एंड SRK और काजोल के ऑन स्क्रीन पेयर की तो अलग ही फैन फॉलोइंग है। इस बारे में मैं डिटेल में काजोल के एवोल्यूशन वीडियो में बात करूंगा। फिर आई अजय देवगन और तब्बू की साथ में एक हिट फिल्म हकीकत। जाने जा, तू हसी मैं जवां, पपिया
4 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 8.84 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 1996 में आई फिल्म जंग में अजय ने मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली और एक्ट्रेस रांभा के साथ काम किया। इस मूवी का ये सॉन्ग 1995 में आई रजनीकांत सर की फिल्म के एक सॉन्ग का रीमेक है। ये मूवी एक एवरेज ग्रॉसर रही जिसने 4 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 6 करोड़ की कलेक्शन की। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। फिर आई अजय देवगन की सोनाली बेंद्रे और एक्ट्रेस मधु के साथ एक रोमांटिक एक्शन फिल्म दिल जले। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं। ये मूवी अजय देवगन के करियर की मोस्ट मेमोरेबल फिल्म्स में से एक मानी जाती है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। दिल वाले फिल्म की तरह इस फिल्म के डायलॉग भी काफी पॉपुलर रहे। आग जो दिल में लगी है उसे दुनिया में लगा दूंगा मैं, जो तेरी टोली उठी जमाने को चला दूंगा मैं। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 18.25 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई अजय देवगन की ट्विंकल खन्ना के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म जान भी हिट रही। इसके बाद ईयर 1997 में आई अजय, आमिर, जूही और काजोल की सुपरहिट फिल्म इश्क। हमको तुमसे प्यार है। इस मूवी को मस्ती और धमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। राजा, तेल की दुकान तो बंद हो गई, अब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। देखो देखो जानम, हम दिल अपना तेरे लिए लाए। जिसका म्यूजिक अनु मलिक ने कंपोज किया था। नींद चुराई मेरी किसने, ओ सनम तूने। और इस सॉन्ग का रीमेक 2017 में आई अजय की ही फिल्म गोलमाल अगेन में अमाल मलिक ने कंपोज किया था। तुमने तो बाप बेटे के रिश्ते का मतलब ही बदल दिया। 11 सीआर में बनी इस फिल्म ने 45.6 सीआर की कलेक्शन की। इसके बाद अजय और ट्विंकल खन्ना ने फिर से साथ में काम किया एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म इतिहास में। बट इन दोनों एक्टर्स की इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। ईयर 1998 में आई अजय की अमिताभ बच्चन और सोनाली बेंद्रे के साथ एक एक्शन फिल्म मेजर साहब। इस फिल्म के डायरेक्टर रहे टीनू आनंद और फिल्म की शूटिंग के दौरान टीनू आनंद के बीमार पड़ने पर उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, जिस वजह से फिल्म के कुछ सीन्स अजय देवगन ने खुद डायरेक्ट किए थे। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। इनफैक्ट फिल्म का म्यूजिक भी काफी सही था। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। एक थोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई है। और ये सॉन्ग सुन के मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं बॉर्नविटा पिया करता था। तब मैं शायद 4 या 5 साल का था। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाए। 8.75 सीआर में बनी ये फिल्म 18 सीआर की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर उसी साल अजय और काजोल की साथ में एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आई प्यार तो होना ही था, जिसे अनीस बाजमी ने डायरेक्ट किया था। ये 1995 में आई एक हॉलीवुड फिल्म फ्रेंच किस का हिंदी रीमेक है और ये एक्टर एंड कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की डेब्यू फिल्म थी। मेरी मूछों को अगर हाथ भी लगाया तो तेरी गर्दन काट दूंगा। तो फिर काट दीजिए गर्दन। क्यों? क्योंकि आपकी आधी मूछ कट गई। 7.50 सीआर में बनी ये फिल्म 38.27 सीआर की कलेक्शन करके 1998 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी और ये अजय और काजोल दोनों की बिफोर मैरिज साथ में लास्ट फिल्म थी। इसके बाद ये 1999 में 24 फरवरी को दोनों ने शादी कर ली। इसके अलावा ईयर 1998 में एक्टर नसीरुद्दीन शाह की फिल्म सर उठा के जियो में अजय का गेस्ट अपीयरेंस भी था। ये राजू कौन है? अजय देवगन को हम सब प्यार से राजू कहते हैं। अच्छा, लो आ गए राजू जी। उमेश जी, क्या सीक्वेंस है? सीन नहीं, गाना कर रहे हैं। रोमांटिक गाना है तेरा और हीरोइन का। लेकिन गाने के बीच में फाइट,
गाना खराब नहीं होगा? नहीं राजू, उमेश जी की फिल्म सोनी महिवाल में भी ऐसे ही था, लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एयर 1998 में अजय की लास्ट फिल्म रही जख्म, जिसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अजय ने नागार्जुन, सोनाली बेंद्रे और पूजा भट्ट के साथ काम किया, और इस फिल्म में कुणाल खेमू ने अजय देवगन के यंगर सेल्फ का रोल प्ले किया था। मोर ओवर ये फिल्म महेश भट्ट की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जिसमें पूजा भट्ट का कैरेक्टर महेश भट्ट की मदर शिरीन अली पे बेस्ड है। और इस फिल्म के साथ अजय देवगन को उनका पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला, और अब तक अजय देवगन 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। ये अंगूठी मेरी माँ को उस शख्स ने दी थी जिसे वो अपना भगवान समझती थी। ये अंगूठी मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजी। बट 4.60 CR में बनी ये फिल्म 4.22 CR की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद ये 1999 में आई अजय देवगन और अर्शद वारसी की साथ में पहली फिल्म होगी प्यार की जीत। तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, दिल दीवाना कहता है कि प्यार कर, जा किसी लड़की से आंखें चार कर। छह करोड़ में बनी ये फिल्म 15.5 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर आई संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई एक म्यूजिकल रोमांस फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में अजय देवगन ने यूजुअली अपने एक्शन हीरो रोल से हटकर ये रोल प्ले करके एज एन एक्टर अपनी वर्सटैलिटी को शोकेस किया था। इनफैक्ट अजय की परफॉर्मेंस को हाई क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, और फिल्म का म्यूजिक भी काफी सक्सेसफुल रहा, जिसे इस्माइल दरबार ने कंपोज किया था। और अगर इस फिल्म के म्यूजिक की बात हो तो KK का ये सॉन्ग तो मेंशन करना बनता ही है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी। बाय द वे, नेक्स्ट एवोल्यूशन इस चैनल पे KK सर का ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। 16 CR में बनी इस फिल्म ने 51.38 CR की कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय की अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सेन और मनीषा कोइराला के साथ एक एक्शन फिल्म हिंदुस्तान की कसम, जिसे अजय के फादर वीरू देवगन ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था। एंड एज ए डायरेक्टर ये उनकी पहली और इकलौती फिल्म है। इस फिल्म का म्यूजिक सुखविंदर सिंह ने कंपोज किया था, और फिल्म का ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। और इस फिल्म में पहली बार अजय देवगन ने डबल रोल प्ले किया। बट 13 करोड़ में बनी ये फिल्म 26 करोड़ की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसके बाद ही अजय देवगन की रवीना टंडन के साथ एक एक्शन फिल्म गैर फ्लॉप रही। इस फिल्म में भी अजय देवगन ने डबल रोल प्ले किया था, और इस फिल्म की शूटिंग 1992 में शुरू हुई थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मूवी की शूटिंग के साथ साथ रिलीज भी डिले हो गई। 3.5 CR में बनी इस फिल्म ने 5.8 CR की कलेक्शन की। इसके बाद आई अजय और तब्बू की एक और एक्शन ड्रामा फिल्म ठकशक, जिसका म्यूजिक AR रहमान सर ने कंपोज किया था। फिल्म का ये सॉन्ग 2008 में आई एक हॉलीवुड फिल्म द एक्सीडेंटल हस्बैंड में रीयूज किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली 6.50 CR में बनी फिल्म 6.53 CR की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर आई अजय, सैफ, नम्रता और मनीषा कोइराला की एक्शन थ्रिलर फिल्म कच्चे धागे, जिसे मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया था। एंड एज ए डायरेक्टर ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म का म्यूजिक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी ने कंपोज किया था। दिल, दिल पर देसी हो गया। प्यार नहीं करना, जहान सारा कहता है। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने खाली दिल जान भी ये मंगदा। और भाई इस फिल्म का एक एक सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ था कि आज भी सुन लूं तो बचपन के वो विजुअल्स याद आ जाते हैं, जब नानी के घर VCR में हर दूसरे दिन ये मूवी लगा दी जाती थी। इश्क दी गली बच्चों कोई कोई लंगदा। ये अजय और सैफ की साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद ये दोनों एक्टर साथ में LOC कारगिल, ओमकारा और तानाजी जैसी फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं। 10 करोड़ में बनी ये फिल्म 28 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई अजय देवगन, काजोल और महिमा चौधरी की साथ में एक ड्रामा फिल्म दिल क्या करे, जिसके डायरेक्टर है प्रकाश झा। इस फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये आफ्टर मैरिज अजय और काजोल की पहली फिल्म थी। बट डिस्पाइट दैट 9 CR में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 8.95 CR की नेट कलेक्शन की। ये दिल।
उसके बाद ईयर 2000 में आई अजय की उर्मिला और महिमा चौधरी के साथ एक एक्शन ड्रामा फिल्म दीवाने। इस फिल्म में भी अजय ने डुअल रोल प्ले किया और फिल्म का क्लैश अक्षय शिल्पा और सुनील शेट्टी की हिट फिल्म धड़कन के साथ हुआ था। बट ये फिल्म 8.5 सीआर के बजट के अगेंस्ट 12.25 सीआर की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर उसी साल रिलीज हुई अजय काजोल और ऋषि कपूर की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म राजू चाचा, जिसे अजय के कजन अनिल देवगन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को अजय ने प्रोड्यूस भी किया था। आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले एंड मोर ओवर ये फिल्म अपने बजट की कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाई और 25 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 20 करोड़ की कलेक्शन करके एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद ईयर 2001 में आई अजय माधुरी और प्रीति जिंटा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म में भी अजय ने डुअल रोल प्ले किया था। मोर ओवर इस फिल्म के एक सॉन्ग में राखी सावंत भी फीचर हुई थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स से काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले और इसका क्लैश फरहान अख्तर की डायरेक्ट की हुई फिल्म दिल चाहता है के साथ हुआ था। 8.5 सीआर में बनी ये फिल्म 15.6 सीआर की कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिर आई राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर क्राइम ड्रामा फिल्म लज्जा में अजय ने एक डकैत का रोल प्ले किया। हर औरत हमार मैया है और हम मैया का सौदा नहीं करब। इंडिया में ये फिल्म कमर्शियली अनसक्सेसफुल रही बट ओवरसीज इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इस फिल्म के दो अलग अलग सॉन्ग्स में उर्मिला और सोनाली बिंद्रे ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के। बट ड्यू टू हाई बजट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। फिर उसी साल रिलीज हुई अजय देवगन सोनाली बिंद्रे और नम्रता की ड्रामा फिल्म तेरा मेरा साथ रहे एक डिजास्टर साबित हुई। तेरा मेरा साथ रहे। प्यार हो गया है मुझे क्या, प्यार हो गया क्या। 5.75 सीआर के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 3.04 सीआर की नेट कलेक्शन की। हमारे धंधे में एक गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। फिर आई ईयर 2002 में राम गोपाल वर्मा की डायरेक्ट की हुई गैंगस्टर फिल्म कंपनी। ये राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर ट्रिलोजी की सेकंड फिल्म थी। इससे पहले 1998 में मनोज बाजपेयी की सत्या आई थी और फिर 2005 में डी आई थी, जिसमें रणदीप हुड्डा ने एज ए लीड एक्टर अपना डेब्यू किया था। और सच में ये वो टाइम था जब राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पर थी। और भाई सबसे पहले एक गाना सुनो। इस फिल्म के साथ विवेक ओबेरॉय ने अपना डेब्यू किया था एंड ऑनेस्टली सभी एक्टर्स की तारीफ करने पे आऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस फिल्म को क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले जिसने 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए। में बनी इस फिल्म ने 25.02 सीआर की कलेक्शन की। इसके बाद डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर एक्शन कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, चाचा गलत हो रहा है। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा। ए लिस्टेड स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म 18 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 29 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। फिर आई राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की हुई एक बायोग्राफिकल पीरियड फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म को 2016 में हिंदुस्तान टाइम्स ने बॉलीवुड में बनी टॉप 5 बायोपिक्स की लिस्ट में इंक्लूड किया था। और इनफैक्ट फिल्म को क्रिटिक्स से भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे एंड मोर ओवर फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान सर ने कंपोज किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और अजय देवगन को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड। इस मूवी को दो नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले जिनमें अजय देवगन को बेस्ट एक्टर और फिल्म के मेकर्स को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला। जो फैसला आप लोग कर चुके हैं जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे।
बट इन सबके बावजूद ये फिल्म कमर्शियली अंडर परफॉर्म कर गई और बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। अप्रोक्सीमेटली 20 सीआर में बनी इस फिल्म ने 12.9 सीआर की कलेक्शन की, बट ओवर द इयर्स इस मूवी को वो एप्रिसिएशन जरूर मिला जो ये डिजर्व करती है। फिर 2002 में अजय देवगन की लास्ट फिल्म थी दीवानगी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जिसकी अडेप्टेशन 1996 में आई एक हॉलीवुड फिल्म प्राइमल फियर से की गई थी। इनफैक्ट इस फिल्म में अजय ने नेगेटिव रोल प्ले किया था जिसके लिए उन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। राज साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि मुझे आजाद करवा के आपने अपनी शोहरत के डंके बजवा लिए। अब घर जाके सो जा, ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश मत कर वरना रंजीत और तरंग के भवन में ऐसा फंसेगा कि डूब के मर जाएगा। बट अक्षय खन्ना और उर्मिला के साथ ही अजय की इस फिल्म ने 9 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 22 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2003 में अजय और उर्मिला ने फिर से साथ में काम किया राम गोपाल वर्मा की डायरेक्ट की हुई सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म भूत में। इस फिल्म में उर्मिला की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 6.7 सीआर में बनी फिल्म 23.9 सीआर की कलेक्शन करके कमर्शियली सक्सेसफुल रही। फिर आई अजय की सुनील शेट्टी के साथ एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म कयामत। ये 1996 में आई एक हॉलीवुड फिल्म द रॉक का हिंदी रीमेक है और नेहा धूपिया ने चूज किया कि वो इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करेगी। ये मूवी ऑडियंस को काफी पसंद आई। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस और म्यूजिक की काफी तारीफ हुई। वो लड़की बहुत याद आती है, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। बट स्टिल कमर्शियली देखा जाए तो फिल्म ने 16 सीआर के बजट के अगेंस्ट 28.5 सीआर की एवरेज कलेक्शन की। फिर उसी साल रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म चोरी चोरी में अजय ने रानी मुखर्जी और सोनाली बेंद्रे के साथ काम किया। ये 1992 में आई हॉलीवुड फिल्म हाउस सिटर से इंस्पायर्ड थी, बट 7.5 सीआर में बनी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 4.8 सीआर की कलेक्शन करके डिजास्टर साबित हुई। फिर आई एक नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली प्रकाश झा के डायरेक्ट की हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म गंगा जल। आंख दिखाता है मादर चार, थोड़ी डालूंगा साला, आंख दिखाता है बोल, इका है गंगा जल। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अप्रोक्सीमेटली 4.5 सीआर से 10 सीआर के बजट में बनकर इस फिल्म ने 16.5 सीआर की कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय की अमीषा पटेल और पूजा बत्रा के साथ फिल्म परवाना भी फ्लॉप हो गई। इस फिल्म की शूटिंग 1999 के दौरान शुरू हुई थी बट फिल्म इतनी डिले हो गई कि 2003 में रिलीज हुई। 6.75 सीआर में बनी इस फिल्म ने 7 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और बिपाशा बासु की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जमीन, जिसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था एंड एज ए डायरेक्टर ये रोहित शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी। इस मूवी का प्लॉट फ्लाइट 814 हाईजैकिंग पे बेस्ड है जिसमें अमृता अरोड़ा का ये आइटम सॉन्ग भी है जिसे केके ने गाया है। इलेवन सीआर में बनी इस फिल्म ने 17.8 सीआर की एवरेज कलेक्शन की। फिर है एक मल्टी स्टारर हिस्टोरिकल वॉर फिल्म एलओसी कारगिल, जिसे बॉर्डर और रेफ्यूजी फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था। ये एक 4 आवर्स 15 मिनट्स लंबी मूवी है जिससे ये लॉन्गेस्ट इंडियन फिल्म्स की लिस्ट में 5th पोजीशन पे है। इस मूवी को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले एंड कमर्शियली भी ये फिल्म फ्लॉप रही जिसने 33 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 31.6 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2004 में आई राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म खाकी और भाई अजय देवगन ने एज ए विलन क्या परफॉर्मेंस दी इस फिल्म में। इस फिल्म में तुषार कपूर का रोल पहले अक्षय खन्ना को ऑफर किया गया था बट फिल्म में एक सीन था जिसमें अक्षय खन्ना को फोर्सफुली अमिताभ बच्चन को स्लैप करना होता है बट ये सीन अक्षय खन्ना को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा जिस वजह से उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। बट लेटर ऑन ये सीन तुषार कपूर से भी नहीं करवाया गया और ये सीन करना पड़ा दृश्यम में अजय देवगन के कट्टर दुश्मन गायतोंडे उर्फ कमलेश सावंत को। अपने साहब को थप्पड़ मार। नहीं मारेगा तो तेरे साहब का भेजा बाहर आ जाएगा। और अगर अक्षय खन्ना को तुषार कपूर से रिप्लेस नहीं किया गया होता तो इस फिल्म की पूरी लीड कास्ट का नाम लेटर ए से शुरू होता। इस मूवी को क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा था, खासकर सुनिधि चौहान और लारा दत्ता के आइटम सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा। बट 25 सीआर में बनी ये फिल्म अप्रोक्सीमेटली 46 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसके बाद है इंद्र कुमार की डायरेक्ट की हुई एक अडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती। समंदर की सैर बहुत कर ली, कहो तो हवालात की सैर कराता हूँ।
इस मूवी को क्रिटिक्स से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। 12 करोड़ में बनी फिल्म 35 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई मणि रत्नम की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर पॉलिटिकल एक्शन फिल्म युवा, जिसका म्यूजिक AR रहमान सर ने कंपोज किया था। बट 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई, जिसने 18 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 26 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद ही एक ड्रामा फिल्म रेनकोट में अजय और ऐश्वर्या ने फिर से साथ में काम किया। बट बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म कमर्शियली अंडर परफॉर्म कर गई, जिसने 5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 4 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन की। फिर आई मेरे बचपन की फेवरेट फिल्म टार्जन द वंडर का, जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। भाई ये मेरी लाइफ का वो टाइम था जब एक भूतिया कार को अपने आप चलता हुआ देख मुझे बच्चों वाली एक्साइटमेंट भी होती थी और आयशा टाकिया को देख बड़ों वाली फीलिंग भी आती थी। मतलब बॉडी में फुल केमिकल लोचा चल रहा था और ऊपर से अच्छी भली बच्चों वाली फिल्म में ये चुतिया करने की क्या जरूरत थी। तुम्हारा हाथ तो इचकार्ड ऑइंटमेंट जैसा है। बाय द वे, ये वत्सल सेठ और आयशा टाकिया दोनों की पहली फिल्म थी, जिसके लिए आयशा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एंड मोर ओवर, फिल्म का म्यूजिक भी काफी सही था, जिसे हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था। ऑनेस्टली मुझे लगा था शायद ये फिल्म हिट हुई होगी, बट भाई साहब फिल्म एक डिजास्टर थी, जिसने 14 करोड़ के बजट के अगेंस्ट सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रुपए की कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2005 में आई अजय की मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म इंसान फ्लॉप रही। 12 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई अजय देवगन, सुनील शेट्टी और प्रियंका चोपड़ा के साथ में एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैकमेल, जिसे अजय के कजन अनिल देवगन ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी 1996 में आई एक हॉलीवुड फिल्म रैंसम से इंस्पायर थी। और 9.5 करोड़ में बनी फिल्म 6.5 करोड़ की कलेक्शन करके एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद ही अजय देवगन की अमीषा पटेल और महिमा चौधरी के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जमीर भी एक डिजास्टर साबित हुई। यह फिल्म लगभग 5 साल पहले आने वाली थी, बट डिले होते होते 2005 में रिलीज हुई, जिसने 4.5 CR के बजट के अगेंस्ट 1.5 CR की कलेक्शन की। इसके बाद एक मल्टी स्टारर वॉर फिल्म टैंगो चार्ली में अजय नजर आए और ये भी 13.5 CR के बजट के अगेंस्ट 7.16 CR की कलेक्शन करके एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म काल भी कुछ खास नहीं चली। ये अजय देवगन की धर्मा प्रोडक्शंस के साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म से ज्यादा फिल्म का ही टाइटल सॉन्ग चला था। 13 करोड़ में बनी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 19 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद आई फिल्म मैं ऐसा ही हूँ, जिसमें अजय ने सुष्मिता सेन और ईशा देओल के साथ काम किया। ये एक हॉलीवुड फिल्म आई एम सैम का रीमेक है और ये भी डिजास्टर रही, जिसने 9.5 करोड़ के अगेंस्ट 6.5 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई अजय देवगन, बिपाशा बसु और नाना पाटेकर की क्राइम एक्शन फिल्म अपहरण, जिसके डायरेक्टर रहे प्रकाश झा। इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और नाना पाटेकर को बेस्ट विलन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। 11 करोड़ में बनी ये फिल्म 23 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। फिर आई अजय, बिपाशा, शाहिद और अमृता राव की ड्रामा फिल्म शिखर। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसने 14 CR के अगेंस्ट 10.3 CR की कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2006 में आई मनोज तिवारी की एक भोजपुरी फिल्म धरती कहे पुकार के में अजय देवगन ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। तुहार आवाज गांव वालन की खामोशी तोड़ने में मदद करी और जौन दिन ओकरा खिलाफ एक भी गवाह मिल गई, ओकरा के ऐसन डंडा करब के ओकर क्राम क्राम हमेशा के लिए ठंडा हो जाए। फिर आई रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की हुई गोलमाल फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड। भाई ये फिल्म बहुत सही है, जिसे मैं टीवी पे पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ। आजा आशीर्वाद ले। खड़े रहे, ऐसे बात करेगा अपने दादा से? यह फिल्म एक गुजराती प्ले अफलातून पे बेस्ड है। इनफैक्ट इस फिल्म में अजय देवगन का फूल और कांटे वाला फेमस बाइक स्टंट भी रिक्रिएट किया गया है। इसके अलावा उसी साल अजय ने एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म दी अवेकनिंग को भी प्रोड्यूस किया, जो 2005 में आए मुंबई फ्लड्स पे बेस्ड है। फिर आई विशाल भरद्वाज की डायरेक्ट की हुई मल्टी स्टारर क्राइम ड्रामा फिल्म ओमकारा। भाई सच में क्या मूवी बनाई है। सबसे बड़े लड़ाई आ रही देख के पता चलता है कि क्यों विशाल भरद्वाज को टॉप का डायरेक्टर माना जाता है। ऊपर से फिल्म का म्यूजिक जो खुद विशाल भरद्वाज ने ही कंपोज किया है और गुलजार सर के लिरिक्स का तो अलग ही लेवल है। ठग लेंगे हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। ऊपर से सुनिधि चौहान और बिपाशा बसु का ये आइकॉनिक आइटम सॉन्ग साला मुर्दा भी उठ के नाचने लग जाए।
इस फिल्म के डार्क थीम और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की वजह से मेजोरिटी फैमिली ऑडियंस ने इस मूवी को अवॉइड ही किया था। तेरी लाश लाकर सुहाग रात मनाने जाऊंगा मैं बैठ। बट स्टिल 26 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इस फिल्म ने 42 करोड़ की वर्ल्ड वाइड मॉडरेट कलेक्शन की। इस फिल्म को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले और 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स। इसके बाद ईयर 2007 में आई एक मल्टी स्टारर हाइस्ट फिल्म कैश फ्लॉप रही। और 32 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 29 करोड़ की कलेक्शन की और फिल्म का ये सॉन्ग सिंगल टेक में शूट किया गया है। फिर आई राम गोपाल वर्मा की आग, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। 1975 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की इस एडाप्टेशन को क्रिटिक्स और ऑडियंस से इतने नेगेटिव रिव्यूज मिले कि ये फिल्म दुनिया में बनी वर्स्ट फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो गई। 21 करोड़ में बनी ये फिल्म 12 करोड़ 70 लाख की कलेक्शन करके एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद ईयर 2008 में आई अजय देवगन और विद्या बालन के करियर की मोस्ट अंडररेटेड मूवीज में से एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म हल्ला बोल। 27 सीआर में बनी ये फिल्म 19.3 सीआर की कलेक्शन करके फ्लॉप रही। फिर आई रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की हुई एक मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म संडे, जिसमें अजय अर्शद इरफान और आयशा टाकिया ने काम किया। ये 2005 में आई एक तेलुगु फिल्म का रीमेक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ के अगेंस्ट 32 करोड़ के एवरेज कलेक्शन की। बट मूवी इतनी भी बुरी नहीं है, एक डिसेंट वन टाइम वॉच कॉमेडी फिल्म है। फिर आई अजय और काजोल की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म यू मी और हम। इस फिल्म के राइटर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे खुद अजय देवगन, एंड एज ए डायरेक्टर ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके अलावा उसी साल आई अध्ययन सुमन की डेब्यू फिल्म हाले दिल में अजय ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। ओए होए होए। इसके बाद अजय देवगन, संजय दत्त और मनीषा कुराला की रोमांस फिल्म महबूबा भी कुछ खास नहीं चली। 22 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 37 करोड़ की कलेक्शन की। फिर आई गोलमाल फ्रेंचाइजी की सेकंड फिल्म गोलमाल रिटर्न्स। ये 1989 में आई एक मराठी फिल्म फेंका फेंके का रीमेक है, जो खुद 1973 में आई एक हिंदी फिल्म आज की ताजा खबर से इंस्पायर्ड थी। और पहली वाली गोलमाल की तरह ये फिल्म भी हिट रही, जिसने 25 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 80 करोड़ की कलेक्शन की। इनफैक्ट फिल्म का ये म्यूजिक वीडियो 3.5 सीआर के बजट में बना था, जैसे ये उस टाइम का मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो बना, जिसकी कोरियोग्राफी और पिक्चराइजेशन रजनीकांत सर की एक मूवी शिवाजी द बॉस के म्यूजिक वीडियो से इंस्पायर थी। इसके बाद ईयर 2009 में अजय ने फिर से रोहित शेट्टी के साथ काम किया एक और कॉमेडी फिल्म ऑल द बेस्ट में। और इस फिल्म को खुद अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया था। मैं जितनी मर्तबा तुझे हूँ देखता, एंड ये फिल्म वन ऑफ माई फेवरेट है। और अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो ट्रस्ट मी, ये फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। खासकर संजय मिश्रा की कॉमिक टाइमिंग की जितनी तारीफ करो उतनी कम। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है, मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? नहीं तो मेरे कान मत काटो, वो मैं दौड़ जाऊंगा। डबू तेरे कान काटेंगे तो तू अंधा कैसे होगा? नहीं मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? 41 सीआर में बनी इस फिल्म ने 61 सीआर की कलेक्शन की। और फिर हम दिल दे चुके सनम के बाद अजय और सलमान ने दूसरी बार साथ में काम किया एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म लंडन ड्रीम्स में। इस फिल्म के साथ आदित्य रॉय कपूर ने अपना डेब्यू किया था। यह फिल्म क्रिटिक्स को कुछ खास पसंद नहीं आई और 45 सीआर के अगेंस्ट 41.3 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। बट फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जैसे शंकर एहसान लोय ने कंपोज किया था। इसके बाद ईयर 2010 में आई श्रद्धा कपूर की डेब्यू फिल्म तीन पति में अजय ने कैमियो किया। फिर आई अजय की परेश रावल और कोंकणा सेन शर्मा के साथ एक कॉमेडी फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे। ये फिल्म भी काफी सही थी। 15 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 39 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई प्रकाश झा की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म राजनीति। इस फिल्म से रिलेटेड नंबर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जैसे पहले तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का कैरेक्टर काफी हद तक सोनिया गांधी और राबड़ी देवी से इंस्पायर लगता है। बट फिर बहुत से सीन्स और डायलॉग्स को कट करने के बाद इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया गया। एंड आफ्टर रिलीज फिल्म की डायरेक्शन और पूरी स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई और 45 सीआर में बनी फिल्म राजनीति 145.5 सीआर की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। फिर आई अजय, इमरान, कंगना प्राची और रणदीप हुड्डा की साथ में एक गैंगस्टर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। हमारी तस्वीरें खींच के अपनी दुकान में लगा लेना शोहेब, कभी जरूरत पड़े तो दोनों में से एक भगवान चुन लेना। भाई ये फिल्म मैंने स्कूल बंक करके देखी थी, लेकिन सिर्फ इमरान हाशमी के लिए। बाय द वे इस चैनल की शुरुआत भी इमरान हाशमी के एवोल्यूशन वीडियो से ही हुई थी। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पर्दा, पर्दा, हाँ, पर्दा, पर्दा, हाँ।
ये फिल्म भी हिट रही जिसने 38 सीआर के अगेंस्ट 85.2 सीआर की कलेक्शन की। फिर आई प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई अजय बिपाशा और अक्षय खन्ना की एक और अंडररेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म आक्रोश। ऑनर किलिंग्स पर बेस्ड ये मूवी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई और 38 सीआर के अगेंस्ट 19.4 सीआर की कलेक्शन करके एक डिजास्टर साबित हुई। फिर आई गोलमाल फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म गोलमाल 3 जो ब्लॉकबस्टर हिट रही। इस फिल्म की स्टोरी 1978 में आई हिंदी फिल्म खट्टा मीठा से पार्शली इंस्पायर्ड थी जो खुद एक हॉलीवुड फिल्म योर्स माइन एंड आर्स से इंस्पायर्ड है। 40 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 170 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर आई अजय और काजोल की एक लाइव एक्शन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो। बाय द वे आजकल इस फिल्म को आदि पुरुष से कंपेयर किया जा रहा है। 25 करोड़ में बनी ये फिल्म 7 करोड़ की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। इसके बाद ईयर 2011 में आई अजय इमरान और ओमी वेदे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दिल तो बच्चा है जी। ये भी एक डिसेंट मूवी है जिसके सॉन्ग्स भी अच्छे थे। 11,000 रुपए खर्च कर दिए लड़की पे। तूने पैसे दे के लड़की उठाई? शट अप। है दिल पे शक मेरा, इसे प्यार हो गया। तू ख्वाब है या कोई जादूगरी। 28 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 40 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। थैंक यू यार, मैं शहर में था नहीं। अगर तू इसे भगा कर नहीं लाता तो इसके डैड कहीं और शादी करवा देता। हाँ, और मैं किसी और की बीवी बन जाती। फिर उसी साल आई सलमान और आसिन की फिल्म रेडी में अजय ने कैमियो किया। फिर आई रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन फिल्म सिंघम जिसने इंडियन सिनेमा में एक लेगेसी क्रिएट कर दी जिसे इवन आज रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की भी शुरुआत हो चुकी है। अजय देवगन, काजल अग्रवाल और प्रकाश राज की यह फिल्म 2010 में आई सेम टाइटल से बनी तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है और प्रकाश राज ने इन दोनों फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले किया था। 41 सीआर में बनी फिल्म सिंघम ने 157 सीआर की कलेक्शन की। इसके बाद ही अजय की संजय दत्त, कंगना रनौत, लीसा हेडन और अर्जुन रामपाल के साथ एक एक्शन कॉमेडी फिल्म रास्कल्स। और भाई लीसा इस सॉन्ग में क्या लग रही है। ये फिल्म क्रिटिक्स को कुछ खास पसंद नहीं आई एंड मोर ओवर 46 सीआर के अगेंस्ट 51 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2012 में अजय और कंगना ने फिर से साथ में काम किया प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म तेज में। द बुलेट ट्रेन पे बेस्ड ये मूवी 52 सीआर के अगेंस्ट 26 सीआर की कलेक्शन करके एक डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद रोहित शेट्टी और अजय देवगन का डुओ साथ में लेकर आया एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। ये 1979 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक कॉमेडी फिल्म गोलमाल पे बेस्ड है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने डुअल रोल प्ले किया था एंड उनकी परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ हुई। 50 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 165 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद एक एक्शन कॉमेडी फिल्म सन ऑफ सरदार को भी अजय ने खुद प्रोड्यूस किया था। ये 2010 में आई एसएस राजामौली की तेलुगु फिल्म का रीमेक है। 30 करोड़ में बनी फिल्म 150 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। इसके बाद साल 2013 में आई साजिद खान की डायरेक्ट की हुई एक्शन कॉमेडी फिल्म हिम्मत वाला जिसमें अजय ने तमन्ना के साथ काम किया और इस फिल्म को देखने की हिम्मत कोई हिम्मत वाला ही कर सकता है। एक एक को जिंदा गाड़ देगा ये हिम्मत वाला। ये 1983 में आई जितेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला का रीमेक है जो खुद 1981 में आई तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक थी। 68 सीआर में बनी ये फिल्म 65.7 सीआर की कलेक्शन करके फ्लॉप रही। इसके बाद ये प्रकाश झा की डायरेक्ट की हुई एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म सत्याग्रह सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे पे बेस्ड अजय देवगन की अंडररेटेड फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। इसके अलावा 2013 में आए एक अवेयरनेस म्यूजिक वीडियो बेटियां सेव दी गर्ल चाइल्ड में भी अजय फीचर हुए। कुछ भी नहीं अंदर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। इसके बाद ईयर 2014 में आई रोहित शेट्टी और अजय देवगन की सिंघम फ्रेंचाइजी की सेकंड फिल्म सिंघम रिटर्न्स। 1993 की मलयालम फिल्म एकलव्यन से लूजली इंस्पायर्ड ये मूवी 2014 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। सत्तर करोड़ में बनी इस फिल्म ने 219 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर आई प्रभु देवा की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म एक्शन जैक्सन जिसमें अजय देवगन सोनाक्षी सिन्हा के साथ डुअल रोल में नजर आए। 93 सीआर में बनी ये फिल्म 90.3 सीआर की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई।
इसके बाद ईयर 2015 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म हे ब्रो के एक सॉन्ग में अजय ने गेस्ट अपीयरेंस दिया। विजय और उसकी फैमिली को हम अच्छी तरह जानते हैं, वो अच्छे लोग हैं। फिर आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम, जिसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। 2 अक्टूबर अब गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ साथ विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली के लिए भी जानी जाती है। 2013 में आई मलयालम फिल्म का यह हिंदी रीमेक 38 करोड़ के अगेंस्ट 111 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही और 2022 में इस फिल्म को चाइना में भी रिलीज किया गया, जहां इसने अपनी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 36 करोड़ और ऐड किए। बाय द वे 2015 में ही अजय ने विमल पान मसाला की एंडोर्समेंट की थी और उसके कुछ ही देर बाद ये बोलो जुबान केसरी वाली ऐड आई, जिसकी हाइप और ट्रोलिंग इस लेवल की हुई है जिसके बारे में तो आप सबको पता ही है। एंड अभी मैंने एक चीज नोटिस की कि अजय देवगन की कैश फिल्म आई थी और कैश नाम का पान मसाला भी मार्केट में अवेलेबल है, और शिखर फिल्म आई थी तो शिखर नाम का भी पान मसाला अवेलेबल है। अभी इतना शुक्र है आशिक की फिल्म में अजय देवगन नहीं थे, वरना भारी कोइंसिडेंस हो जाता और गोलमाल नाम की फिलहाल सिर्फ फ्रूट जली आती है। इसके बाद ईयर 2016 में आई आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ की रोमांटिक ड्रामा फिल्म फितूर में अजय देवगन ने कैमियो किया। आइए हुजूर, लंदन की सबसे बेहतरीन कावा पिलाते हैं आपको। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका। प्रूसी साली अजय देवगन की डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म शिवाय। आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही है माला। तेरे नाल इश्का मेरा, तेरे नाल इश्का दरख्वास्त है ये, जो आई रात है। VFX के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली फिल्म शिवाय ने 100 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 148 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2017 में आई फिल्म गेस्ट इन लंदन में अजय ने कैमियो किया। पर फिकर मत करो, आपको जल्दी यहाँ लेके आऊंगा, तो बैग लगाएंगे और साथ में नजारे देखेंगे। फिर आई मिलन लुथरिया की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म बादशाह। ये अजय देवगन और मिलन लुथरिया की साथ में चौथी फिल्म थी। 90 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 123 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की। रूसी साले ये कॉमेडी फिल्म पोस्टर बॉयज में अजय ने कैमियो किया। पोस्टर बॉयज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। फिर आई गोलमाल फ्रेंचाइजी की फोर्थ फिल्म गोलमाल अगेन। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी फिल्म थी जिसमें लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए करीना कपूर को ड्यू टू हर प्रेगनेंसी रिप्लेस करके परिणीति चोपड़ा को कास्ट किया गया, और ये गोलमाल सीरीज की अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही, जिसने 70 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 311 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2018 में एक मराठी फिल्म अपला मानुस को प्रोड्यूस करने के साथ साथ अजय ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। मराठी भाषा के लिए इज्जत हमेशा से थी, मगर काजल से शादी के बाद इस भाषा इस कल्चर से प्यार हो गया। मैं लेकर आ रहा हूँ मेरी पहली मराठी फिल्म अपला मानुस, ये त्या 9 फरवरी ला, आशीर्वाद सुदे। फिर आई अजय देवगन, सौरभ शुक्ला और इलियाना डिक्रूज की क्राइम फिल्म रेड। ये मूवी 1980s में हुई एक रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पे बेस्ड है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन रह चुके सरदार इंदर सिंह के अगेंस्ट हुई थी और इंडिया की हिस्ट्री में हुई लॉन्गेस्ट रेड मानी जाती है, जो 3 दिन और 2 रातों तक चली थी। इस घर में कोई सरकारी अफसर मच्छर मारने नहीं आ सकता, तुम रेड मारने आए, खाली हाथ जाओगे। मैं सिर्फ ससुराल से ही शादी वाले दिन खाली हाथ लौटा था। क्रिटिक्स और ऑडियंस से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और 40 सीआर के अगेंस्ट 153 सीआर की कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। इसके बाद आई रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की थर्ड फिल्म सिम्बा, जिसमें अजय देवगन ने एज बाजीराव सिंघम एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया। इसके बाद ईयर 2019 में आई धमाल फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म टोटल धमाल में अजय ने काम करने के साथ साथ फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। 90 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 228 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। फिर उसी साल ही अजय देवगन, तब्बू और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। फिफ्टी सीआर में बनी ये फिल्म 143 सीआर की कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई साल 2020 में अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म तानाजी। इस फिल्म को ओम राउत ने डायरेक्ट किया था, जिनकी डायरेक्ट की हुई आदि पुरुष भी आने वाली है। इस फिल्म को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले, जिनमें से अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।
एंड मोर ओवर इस फिल्म ने 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जिनमें ओम राउत को बेस्ट डायरेक्टर और सैफ अली खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। 120 करोड़ में बनी ये फिल्म 375 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट रही। इसके बाद ईयर 2021 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक वॉर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म की राइटिंग और पेस को लेकर इसे क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले। फिर उसी साल रिलीज हुई रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की फोर्थ फिल्म सूर्यवंशी में अजय देवगन ने एस बाजीराव सिंघम एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया। अरे ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो। इसके अलावा मैन वर्सेस वाइल्ड के एक स्पेशल एपिसोड में भी अजय देवगन एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट नजर आए। इसके बाद ईयर 2022 में आई आलिया भट्ट की बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय ने एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस दिया। फिर उसी साल एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म RRR में भी अजय ने कैमियो किया। फिर आई एक थ्रिलर फिल्म रनवे 34, जिसे अजय ने खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया। ये फिल्म जेट एयरवेज के एक रियल लाइफ एविएशन इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और इसमें कैरी मिनाटी का स्पेशल अपीयरेंस भी था। पॉजिटिव रिव्यूज के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म कर गई और 75 CR के 53.7 CR की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। इसके बाद ही अजय देवगन की सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह के साथ एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म थैंक गॉड भी फ्लॉप रही। इंद्र कुमार के डायरेक्ट हुई इस फिल्म ने 50 CR के अगेंस्ट 49.5 CR की कलेक्शन की। सच पेड़ के पीछे की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। फिर आई अजय देवगन की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम 2। भाई ये फिल्म मैंने थिएटर में एक्सपीरियंस की थी। जब से पता चला था कि दृश्यम 2 आने वाली है, तभी से वेट कर रहा था कि इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्टोरी में आगे क्या होगा। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? भाई कोविड के बाद जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स नहीं कर पाए, वो अजय देवगन ने अपने सीरियस लुक से करवा दिया। ये मूवी 50 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 346 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हिट हो गई। मोर ओवर 2022 में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्र में भी अजय ने काम किया। ये एक ब्रिटिश सीरीज लूथर का रीमेक है। एंड अभी रिसेंटली 30 मार्च 2023 को रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म भोला, जिसे अजय देवगन ने खुद डायरेक्ट और को प्रोड्यूस भी किया है। वेल 100 करोड़ में बनी इस फिल्म ने अभी तक 111.6 करोड़ की एवरेज कलेक्शन की है। और एंड मोर ओवर इसी साल दिवाली के अराउंड अमेज़न प्राइम वीडियो पे आने वाली रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की हुई कॉप एक्शन ड्रामा सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स रिलीज होगी और इस वेब सीरीज में भी हमें अजय देवगन का बाजीराव सिंघम कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। इसी के साथ ईयर 2024 में हमें सिंघम फ्रेंचाइजी की थर्ड फिल्म सिंघम अगेन भी देखने को मिलेगी। इस मूवी में अजय देवगन के साथ करीना कपूर और दीपिका पादुकोण एज ए फीमेल कॉप के रोल में नजर आएंगी और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म होपफुली 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। इसके अलावा 2024 में हमें अजय देवगन और तब्बू फिर से साथ में देखने को मिलेंगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में, जिसका नाम है औरों में कहां दम था। इस मूवी को नीरज पांडे डायरेक्ट कर रहे हैं, जो एवेंस डे और स्पेशल 26 जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। मोर ओवर इस फिल्म में जिमी शेरगिल भी नजर आएंगे। एंड फिलहाल इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इसी के साथ अगर रेड 2 की बात करूं, तो 2020 में रेड मूवी की प्रोडक्शन टीम ने इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी थी, जिसमें अजय देवगन फिर से लीड रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म भी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हो सकती है, जिसकी स्क्रिप्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है। और साल 2022 में मलयालम फिल्म दृश्यम एंड दृश्यम 2 के राइटर डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने दृश्यम 3 भी कंफर्म कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने दृश्यम 3 का क्लाइमेक्स क्या रहेगा वो ऑलरेडी सोच लिया है, बट उस क्लाइमेक्स तक जो स्टोरी लीड करेगी उसे लिखना बाकी है। और अगर ये फिल्म भी सक्सेसफुल रहती है तो होपफुली अजय देवगन को लेकर इसका हिंदी रीमेक भी शायद हमें देखने को मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोलमाल 5 भी डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। कब आएगी, किस ईयर आएगी ये नहीं कह सकते, बट आएगी जरूर, क्योंकि इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को रोहित शेट्टी ऐसे ही नहीं जाने देंगे। इनफैक्ट उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि जब तक वो फिल्में बनाते रहेंगे तब तक गोलमाल फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जल्दी ग्रो कर पाए। नेक्स्ट एवोल्यूशन के सर पे आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। आमिर खान का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और SRK के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।